वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं लर्न विथ लर्नर का स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम 2023 के संपूर्ण करेंट अफेयर के सवालों को शामिल किए हैं और इससे कराने की कोशिश किए हैं ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो लगभग सारे क्वेश्चन आपको क्लास से ही देखने को मिले, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ऐसा लगे कि पढ़े नहीं। और हम अपने वादे के मुताबिक आप लोगों के लिए करेंट अफेयर क्लास लेके आ गए। तो हम अब क्वेश्चनों पे आते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। यहाँ पे मैं एमसीक्यू नहीं रखा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग सिर्फ सुनते जाइए जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में एमवी गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये वाराणसी से हुआ है, उत्तर प्रदेश से उड़ीसा के असम के डिब्रूगढ़ तक शुरू हुआ है, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने दिल्ली में स्थित जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह उद्घाटन किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेविड कास्बी का निधन हो गया, यह किस देश से संबंधित है? तो डेविड कास्बी संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। सॉरी, अरुणा मिलर 19 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी बनी है? तो वह है मैरीलैंड की। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना है? तो हैदराबाद को चुना है। और हम इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे करंट के क्वेश्चन रखने की कोशिश किए हैं क्योंकि जो वैसे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं, जो जुबान पर रहें, वे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन चर्चा में कम रहा है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो वे क्वेश्चन हम रखने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य लगा के क्लास को देखिए। जनवरी 2023 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पराली बोड़ल गाँव में पटेल बैट के रूप में जाने जाने वाला दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग ये कांगेर घाटी याद रखिएगा, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर पूछ दे वहाँ पे क्या देखा गया, नारंगी रंग का तो चमगादड़ देखा गया था। हाशिम अमला 18 जनवरी 2022 को क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वे किस देश से संबंधित है? तो हाशिम अमला आप सभी को पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका से खेलते थे और इस समय पर चेन्नई से खेलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला देश बना है? तो वह भारत। और श्रीलंका में फूड क्राइसिस था तो ये श्रीलंका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कालवेरी श्रेणी की पनडुब्बी को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया गया? तो INS बागीर को, यह इंपॉर्टेंट रहेगा, INS बागीर को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया गया। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF भोपाल में आयोजित किया गया, यह किस वर्ष से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है? तो ये 2015 से लगातार आयोजित किया जा रहा है और इस समय इसका 8वां संस्करण आयोजन हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई? तो उड़ीसा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 जनवरी 2023 को इंडिया कोल्ड चैन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। गोल्ड चैन कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर भाग ले रहा है? तो स्पेन। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर एक और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया? तो वे मुकेश अंबानी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की। दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, तो होगा मंदार दातार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जनवरी से लेकर हम मई तक के संपूर्ण करंट अफेयर को शामिल किए हैं इसमें, तो आप लोग बने रहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल में किस सम्मान की घोषणा की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान की घोषणा उसने किया है। उत्तराखंड का कौन सा थाना देश के सर्वोत्तम तीन में शामिल होने वाले पुरस्कार से सम्मानित हुआ? तो वह बनबसा।
हाल में न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री कौन घोषित हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रधानमंत्री से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो क्रिस हॉपकिंस। इंडिया ओपन 2023 का फाइनल टूर्नामेंट किसने जीता? तो यांग से यंग ने जीता। तो इंडिया ओपन भी इंपॉर्टेंट रहता, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरुआत की? तो वह गुजरात। जैसीडा अर्डन की जगह न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो क्वेश्चन हम ऊपर देखे हैं कि क्रिस हॉपकिंस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, मिस्र के। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा को डेजर्ट साइड में एक विश्व धरोहर घोषित किया? तो वह यूक्रेन। हाल में ही कहाँ वाक्सेन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एक्सप्रेशन लॉन्च किया? तो है तेलंगाना। हाल में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिव 2023 कहाँ हुआ? तो कोहिमा में हुआ। हाल में किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत की है? तो वे है छत्तीसगढ़। हाल में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हालांकि एक टाइम में बहुत सुर्खियों में था, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय पर लोग भूले होंगे, तो इसका नाम होगा अमृत गार्डन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि अमृत गार्डन कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में एयरो इंडिया शो का आयोजन हुआ? तो एयरो इंडिया शो का आयोजन बेंगलुरु में हुआ और हर साल बेंगलुरु में ही होता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने 12 से अधिक चीते लाने का समझौता किया? तो दक्षिण अफ्रीका। और इससे पहले चीते नामीबिया से आए थे, तो नामीबिया को भी याद रखिएगा। हाल में ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी कैसे घोषित की गई? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अब विशाखापट्टनम हो गई, पहले हैदराबाद थी। तो आप लोग याद रखिए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? तो खादी उत्सव का उद्घाटन मुंबई में किया गया। निम्नलिखित में से किससे FIH पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? तो FIH पुरस्कार 2023 BK पांडियन को मिला। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो निखत जरीन को बनाया गया। अगर पूछ दे कि निखत जरीन का संबंध किस खेल से है, तो यह बॉक्सिंग से संबंधित है, तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। हाल में ही प्यूमा इंडिया ने किससे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो प्यूमा इंडिया ने हमरनप्रीत कौर को बनाया और ये क्रिकेट से संबंधित है। हाल में ही 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य के झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो 2023 में उत्तराखंड को मिला और 2022 में यूपी को मिला था, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। हाल में ही गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले CEO किसे नियुक्त किया गया? तो गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले CEO माधवेंद्र सिंह को घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के CEO माधवेंद्र सिंह को बनाया गया। हाल में ही किसे भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो किसने किया? तो ये रहेगा अभिताभ कांत। और पूछ दे कि इसका यूपी में कहाँ कहाँ आयोजन होगा? तो लखनऊ और वाराणसी में इसका आयोजन होने वाला है, यूपी में। हाल में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो है मुरली विजय। हाल में ही बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया। तो बायो एशिया के लिए भागीदार देश रहेगा UK। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल में ही किसने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जीता? तो अनीस गिरी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फरवरी 2023 में निम्न में से किसे विजिट इंडिया ईयर 2023 अप्रैल का शुभारंभ किया और साथ ही लोगों का अनावरण किया? तो जय किशन रेड्डी। निम्नलिखित में से किस राज्य के राष्ट्रीय क्रेडिट कोर NCC के दल ने गणतंत्र दिवस सेवा 2023 में प्रधानमंत्री बनर्जी था? हाल में किस राज्य के राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के दल ने गणतंत्र दिवस सेवा 2023 में प्रधानमंत्री बनर्जी था? तो महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, फरवरी 2023 में
यूनिलीवर का नया सीईओ कौन नियुक्त किया गया? तो यूनिलीवर का नया सीईओ हेन सुमाकर घोषित हुआ। और आप लोग जो हाल में ही कंपनियों के सीईओ बने हैं उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फरवरी 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई? तो हुई गुवाहाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सोलोमन द्वीप पर 30 वर्ष बाद अपना दूतावास खोलेगा? तो सोलोमन द्वीप पे अमेरिका अपना दूतावास खोलेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फरवरी 2023 में जय जय महाराष्ट्र माझा को राजगीत घोषित किया गया, इसे किस अवधि तक गाया जाता है? तो पहले तो ये याद रखें कि जय जय महाराष्ट्र माझा महाराष्ट्र का राष्ट्रगीत है और इसे 1 मिनट 41 सेकेंड में गा के कम्प्लीट किया जाता है। फरवरी 2023 में किस राज्य ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया? तो होगा मध्य प्रदेश। किस वर्ष तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर चलेगी? तो दिसंबर 2023 तक इसे चलाने की घोषणा हुई है। हाल में किसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट में 4 पदक जीते? तो वह मध्य प्रदेश। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की? तो कार्बन तटस्थ बनने के लिए रेलवे ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है। हाल में किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए ब्रांड क्रेडिट लॉन्च करने के लिए SBI के साथ साझेदारी की है? तो पंजाब और सिंध बैंक ने। हाल में टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला? तो जो लोग इम्पॉर्टेंट हस्ती हैं जिनका निधन हुआ उनको कब पद्मश्री मिला याद रखिएगा, तो इन्हें 2009 में मिला। हाल में किसने खेल आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय किया? तो धर्मेंद्र प्रधान, और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। जादुई पिटारा का संबंध शिक्षा से है और इन्हें इसे धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। हाल में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया? तो उत्तराखंड, यमुनोत्री धाम भी उत्तराखंड में है। हाल में भारत और कौन सा देश तेल और गैस समझौते के लिए तैयार हुआ? तो युगाना। हाल में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है? तो दिल्ली मेट्रो। लेकिन अगर पूछ दे कि भारत का पहला मेट्रो कौन सा चला, तो यह है कोलकाता मेट्रो। यह क्वेश्चन अगर पूछेगा तो दिल्ली मत लगाइएगा, अगर पूछे पहला जल मेट्रो तो वह केरल। हाल में ही FICCI फिक्के ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया? तो फिक्की के इस समय जो वर्तमान महासचिव हुए शैलेंद्र पाठक हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में ही पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पे पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया? तो पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में आयोजन किया। हाल में ही कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया? तो केरल में किया गया। हाल में ही किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीता? तो महिला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। हाल में ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को। 4 फरवरी को मनाया गया कैंसर दिवस, तो हम फरवरी के इम्पॉर्टेंट डे देख लेते हैं। 4 फरवरी को मनाया गया कैंसर दिवस और 15 फरवरी को मनाया जाता है बाल कैंसर दिवस, तो इसे भी याद रखिएगा। बाल कैंसर दिवस अगर पूछ दे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 15 फरवरी को। हाल में ही महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो सबनीम इस्माइल बनी। हाल में INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किस पोर्ट पर पहुंचा? तो INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका में पहुंचा। हाल में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो वह लियोन मेसी, और ये अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं और अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। हाल में ही किसे चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट को क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण जिसने किया वह है भारत। अगर हम बात कर लें फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी फीफा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात कर लें फीफा, तो फीफा अर्जेंटीना ने जीता है वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना ने जीता है और फ्रांस को हरा के जीता। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा। अगर पूछ ले गोल्डन बाल का पुरस्कार किसे मिला, तो गोल्डन बाल का पुरस्कार मिला मेसी को। अगर पूछ दे गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे मिला, तो गोल्डन बूट का पुरस्कार एमबीपे को मिला, और ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। तो गोल्डन बूट और गोल्डन बाल याद रखिएगा।
अगर पूछ ले गोल्डन ग्लव्स का किसे मिला, तो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव्स का पुरस्कार मिला, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। तो अगर फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कर दीजिएगा। हाल में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे, तो इटली के होंगे। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7 यूरेनियम के कण पाए गए, तो ईरान में। हाल में ही पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला, तो दिनेश के त्रिपाठी। हाल में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए आइसा के साथ समझौता किया, तो वह है बांग्लादेश। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में ही एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई, तो श्रीनगर में शुरू हुई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में ही दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन बन गया, तो है रिलायंस जियो। हाल में ही बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। स्टार स्पोर्ट ने हाल में ही किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो रणबीर सिंह। स्टार स्पोर्ट के साथ साथ पेप्सी के भी ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह हैं। हाल में ही किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा, तो राजस्थान में बनाया गया। और भारत और दुनिया का पहला जो सबसे बड़ा है वह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात। तीसरा पूछ दे तो राजस्थान में। हीरो मोटर क्राफ्ट्स ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया, तो हीरो मोटो कॉर्प के सीईओ निरंजन गुप्ता बने। स्विस ओपन 2023 का किताब किसने जीता, तो स्विस ओपन 2023 का किताब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता, तो ये याद रखिएगा। विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, तो असम राज्य की। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षमताओं की मजबूती के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 54,000 करोड़ रुपए की। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा को फांव तक तैर के पार करने वाले पहले व्यक्ति, तो कृष्ण प्रकाश, ये आईपीएस अधिकारी हैं। इंटरनेशनल ट्रांजेस्टर डे ऑफ विजिबिलिटी हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो 31 मार्च को मनाया जाता है। अब मार्च में इम्पॉर्टेंट रहेगा 21 मार्च वन डे और 22 मार्च जल डे। स्वच्छोत्सव 2023 में कितने शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने की घोषणा की गई है, तो 1000 शहरों को की गई है। यूएई के उपराष्ट्रपति के रूप में किससे नियुक्त किया गया, तो शेख मसूर बिन जयेद अन नेहाल को, ये इनका पूरा नाम है, बहुत छोटा नाम है इनका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में ही जल मार्ग मंत्री सौरदानंद सोनेहाल ने क्या लॉन्च किया, तो सागर सेतु ऐप लॉन्च किया है जल मंत्री ने। तो अगर मार्च में देख लें, तो मार्च में 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, मार्च में जो इम्पोर्टेंट है। और 8 मार्च जो है वह सबसे इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, और इसकी घोषणा होती है 1975 से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में श्रीनगर की किस सुरंग का उद्घाटन किया गया, तो जेड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई, तो वह गांधीनगर गुजरात में। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा फिनलैंड 31वां सदस्य बना है नाटो का, क्योंकि नाटो इस समय बहुत सुर्खियों में, रूस यूक्रेन वार के तहत। हाल में ही किसने आधिकारिक तौर पर लैसिंडा डेमस को 2012 का ओलंपिक चैंपियन बनाया, तो IOC ने। हाल में ही कौन सा देश ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में विफल हुआ, तो है श्रीलंका। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 1700 करोड़ रुपए का मसौदा तैयार किया, तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस के साथ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा आप लोग, कि कौन सा देश है जो
2023 में ICC वर्ल्ड कप में नहीं जा पाए तो वे देश रहेगा श्रीलंका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में ही विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल और 7 अप्रैल इम्पोर्टेंट रहेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल वाला याद रखिएगा, और डेट इम्पॉर्टेंट रहते हैं यूपी बीएड हमेशा से, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन डेट से हर साल देखने को मिलता है। हाल में लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन रहा है? तो वे रहा है रूस। भारत अमेरिका वायु अभ्यास कोप इंडिया का शुरुआत कब हुआ? तो कोप इंडिया अगर पूछ दे किसके साथ होता है तो भारत और अमेरिका के साथ, और यह 10 अप्रैल से शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर किसका शुभारंभ किया? तो मिशन टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर आप लोग को याद होगा। इंटरनेशनल बिग कैटर्स एयरलाइन का शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट कितनी फीसदी तक रखा है? तो 6.5%, और रेपो रेट हर 2 महीने पे आता है और साल में 6 बार आता है रेपो रेट। फीफा की रैंकिंग के अनुसार भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ब्लू टाइगर ने 5 स्थान की उछाल लगाकर किस स्थान पर पहुंच गई? तो भारत की ब्लू टाइगर टीम जो 101वें स्थान पर पहुंच गई है। तो आप देख सकते हैं कि फुटबॉल में भारत कितना पीछे। ये क्वेश्चन हम देख लिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल में ही चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे दिया? तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को दिया, और वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। फ्रीडम हाउस की 2023 रिपोर्ट में किस देश को सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश बताया गया? तथा जथरी सूडान और सीरिया के साथ सीरिया को कहाँ रखा गया? तो सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश तिब्बत को बताया गया। हाल में ही किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारी के लिए 4% आरक्षण घोषणा की है? तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। महाराष्ट्र ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण घोषणा की है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो हरमीत कौर है। हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो एंजेला मर्केल को मिला। केंद्रीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल में ही कहाँ पर युवा पोर्टल का शुभारंभ किया? तो युवा पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ, और युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाल में ही किस राज्य के स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता के लिए AI मशीन स्थापित की गई? तो महाराष्ट्र। हाल में ही बार्सिलोना ओपन किसने जीता? तो कार्लोस अलगराज ने जीता। हाल में मलेरिया उन्मूलन पर एशियाई पैसिफिक लीडर्स कन्वेंशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया। हाल में किस राज्य सरकार ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पास किया? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह बिल पास किया। हाल में विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुँच गई है? तो 184 मिलियन। हाल में ही कहाँ भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? तो कोलंबो में। हाल में किस देश ने ChatGPT का प्रतिद्वंदी गेगा चैट लॉन्च किया? तो है रूस। पूछ दे गेगा चैट AI चैट बोट कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो रूस। हाल में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जीता? तो चेन्नई मेट्रो ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हाल में ही 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए? तो बाबर आजम। पूछ दे किस देश का है? तो ये नल्ला पाकिस्तान से संबंधित है। हाल में ही SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा, और भारत करेगा। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले हाल में ही प्रथम भारतीय कौन बने? तो अर्जुन वाजपेयी बने। अन्नाई मुड़ाप चढ़ने वाले अर्जुन वाजपेयी। हाल में किसने IFFCO द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो
डीएपी लॉन्च किया तो अमित शाह। हाल में किस राज्य को स्वच्छता के लिए HUDCO पुरस्कार मिला? हुडको पुरस्कार मिला तो वह उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही FM कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया तो 91। हाल में प्रधानमंत्री ने कहाँ पे नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? सिलवासा में उद्घाटन किया। किसने हाल में ही प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट UT ऑफ इंडिया पुस्तक जारी की? तो नीति आयोग। नीति आयोग आप सभी को पता होगा 1 जनवरी 2015। हाल में ही कौन सत्तारूढ़ पार्टी के सैंटियागो पेना के राष्ट्रपति बने? तो पराग्वे। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में किस रजत पदक विजेता ने जापान में मिर्कियो ओडा मेमोरियल एथलीट्स मीट में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता? तो अब्दुल्ला अबू बकर। हाल में ही कौन चीन के पहले पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने? तो ये पहले हैं तो आप लोग याद रखिएगा, डिंग ली रेन। हाल में ही किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिंस जीता? अजरबैजान ग्रैंड प्रिंस जीता तो है सर्जियो पेरेज। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल में ही संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता? तो उज्बेकिस्तान। हाल में किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्ट बाघ मृत पाया गया? तो सिमलीपाल अगर पूछ दे तो उड़ीसा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल में 17वें कमांडर ऑफ चीफ का पदभार किसने संभाला? तो साजू बालकृष्णन। हाल में ही कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने किसे भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया? तो अथिया सेट्टी, KL राहुल। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन किया गया? तो 75 ईयर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का विमोचन अभिताभ कांत ने किया। हाल में किस पेमेंट ने NPCI के साथ सहयोग किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। पूछ दे किसने किया, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने NPCI के साथ किया है। हाल में ही क्वांट्स एयरवेज लिमिटेड के नए CEO कैसे नियुक्त किया गया? तो वैनेसा हटसन। हाल में ही अरेबियन ट्रैवल मार्केट का 30वां संस्करण कहाँ पे हुआ? तो अरेबियन मार्केट ट्रैवल का 3रा संस्करण दुबई में आयोजित हुआ। USCIRF की रिपोर्ट ने हाल में ही किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया? तो ये सब रिपोर्ट हालांकि नहीं पूछेगा, तो यह है भारत। हाल में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निर्देशालय बनाया? तो नागालैंड। हाल में ही भारतीय SMB का समर्थन करने के लिए दो नई पहल शुरू की गई, तो माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू की। हाल में ही राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार संरक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया? तो अभिनय राज्य का दर्जा कर्नाटक को दिया गया। हाल में ही फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2027 के मेजबान के रूप में किसे घोषित किया गया? तो फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2027 कतर में होगा, और इस बार फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी कतर में ही हुआ था। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने अंडमान सागर में किसका 35वां संस्करण आयोजन किया? तो भारत साई समथिंग गस्ती समूहित गस्ती। रिटो थॉमस सुस्मित घोष की किस डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में PVRD पुरस्कार जीता? तो राइटिंग विद द फायर। राष्ट्रपति मुर्मू किस समारोह के दौरान 37वां वीरता पुरस्कार प्रदान की? तो रक्षा अलंकरण समारोह। किसने AI का उपयोग करके उपग्रह डेटा को उच्च रिजोल्यूशन मानचित्रों में बदलने के लिए सहयोग किया? तो
IBM और नासा। हाल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। और 1 मई याद रखिएगा, विश्व मजदूर दिवस। 31 मई याद रखिएगा, तम्बाकू निषेध दिवस। 22 मई याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस। और लास्ट ईयर 22 मई पूछा था। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखा ने नई दिल्ली में किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो बुद्धम शरणम गच्छामि। खनन क्षेत्र में स्टार्टअप की भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए किस दिन पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? तो 29 मई। और पूछ दे स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 16 जनवरी, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। और 23 जनवरी पराक्रम दिवस। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाल में ही उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्कीम को मंजूरी दी? तो है स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट। हाल में ही किसको नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIRF का अंतरिम CEO बनाया गया? तो राजीव धर। हाल में ही किसने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में ब्रांज मेडल जीता? तो है रिंदा सागवान। हाल में कहाँ एशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो एशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ तथा SCO का भारत में। याद रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है। किस देश के मंदिर को हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया? तो है उत्तराखंड। हाल ही में श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो है भारत। किसने हाल ही में अपनी नई पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी? तो कस्तूरी रे। हाल में ही भारत ने किस देश के सीतवे बंदरगाह का संचालन किया? तो म्यांमार। हाल में ही किसने जापान में स्वास्थ्य नवाचार पर G7 मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? तो मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री इस वर्तमान में ही हैं। कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड वित्त 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना? तो है अमेरिका। हाल में ही 22-23 का ला लिंगा खिताब किसने जीता? तो वह बार्सिलोना। उड़ीसा के पैरा शटलर प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कितने पदक जीते? तो 2 पदक जीते। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निशान देव ने 71 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो वह कांस्य पदक। रस्किन बांड ने हाल में कौन सी नई पुस्तक लिखी? तो रस्किन बांड की पुस्तक इम्पोर्टेंट रहती है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बांड ने हाल में लिखी। तो ऐसे पूछ दे द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है? तो रस्किन बांड। हाल में ही कौन सा खिलाड़ी एक ही कैलेंडर ईयर में एक दिवसीय T20 और IPL शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय बना? तो है सुमन गिल। किसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का अगला महानिदेशक चुना गया? तो है एमी पोप। किसको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष घोषित किया गया? तो रवनीत कौर। हाल में ही किसको संघ सेवा आयोग का हेड बनाया गया? तो मनोज सोनी। हालांकि ये पहले ही घोषित किए गए थे, लेकिन अब शपथ इन्होंने अब लिया। संघ सेवा आयोग का गठन है अनुच्छेद 315। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश से शुरू हुई, और अम्मा और बहनी योजना भी मध्य प्रदेश की योजना है। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र पर 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो नई नदी आधारित धार्मिक पर्यटन समझौता पर हस्ताक्षर किया। हाल में ही भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के उद्यमी समुदायों के बीच सहयोग और साझेदारी बढ़ावा के लिए किस प्रोग्राम का शुरुआत किया? तो स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम, भारत और बांग्लादेश। पूछ दे स्टार्टअप
एक्सचेंज प्रोग्राम किस देश में है? तो भारत और बांग्लादेश। हाल में मोटे अनाज की खेती को पुनर्जीवित करने और किसानों को समर्थन देने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा कौन सा एक महत्वपूर्ण पहल उभर कर सामने आया? तो उड़ीसा मिलेट मिशन और मिलेट का वर्ष पूछ देते हुए है 2023। हाल में ही 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। हाल में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कितने रुपए की लागत से मछलीपट्टनम बंदरगाह का पुनर्निर्माण कराया और शुभारम्भ किया? तो 5156 करोड़। ऑस्ट्रेलिया के किस उपनगर का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया? तो हैरिस पार्क का नाम बदलकर रखा गया। हाल में ही जारी हैंके के वार्षिक अनहैप्पी सूचनांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो अनहैप्पी सूचनांक में जिम्बाब्वे सबसे ऊपर है। हाल में ही किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुंदर रमन कप जीता? तो वह है चीन। बीएसएनएल ने भारत के 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो TCS के साथ। हाल में ही किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन ईयर्स के रूप में मनाया जाएगा? तो नेपाल। हाल में ही किसे इटालियन ओपन 2023 का पुरस्कार जीता? तो इटालियन ओपन का पुरस्कार डेनिल मतवेदन देव ने जीता। हाल में किस देश के माउंट एंटेना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ? तो माउंट एंटेना पूछ दे कहाँ का है? माउंट एंटेना इटली का ज्वालामुखी है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें रखने की कोशिश किए थे, जो 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा आप लोग इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, जो इस समय पर नियुक्तियाँ हुई हैं और जो अवार्ड मिले हैं, तो इससे हो जाएगा। हालांकि हम सब कुछ कवर किए हैं। अगर हम बात कर लें 20 मार्च को, तो 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व शहीद दिवस और 14 अप्रैल को विश्व अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, 12 मई को विश्व नस दिवस और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट दिवस हम इसमें सब करा दिए हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।